मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास साथ ही रिच लैंडस्केपिंग स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल स्विमिंग पूल इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। देश में लगातार डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के विरोध में मऊरानीपुर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। बुधवार को मऊरानीपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सभी कांग्रेसी एकत्र हुए और हाथों में तख्ती लेकर तथा ठेले पर मोटरसाइकिल को रखकर प्रदर्शन किया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र से जुलूस को निकालकर सभी मऊरानीपुर के उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना शुरू हुआ। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए डीजल पेट्रोल के दामों में हो रही बढ़ोतरी का विरोध करते हुए दामों को कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के दाम दिन ब दिन बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग महंगाई के मुद्दे पर लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डीजल जबकि सस्ता रहता था पेट्रोल से, डीजल भी महंगा हो गया तो किसान भी उससे बहुत परेशान है, क्योंकि किसानों के भी अब समय आ रहा फसल का, तो जब महंगा डीजल हो जाएगा तो हर व्यापार में महंगाई होगी, सब्जियां भी महंगी होंगी, तो ये गरीब लोगों को मारने की परंपरा चल रही है। उन लोगों को गरीब मरेगा तभी हमारी, और जब गरीब के ही वोट मिलते हैं और गरीब से ही वो जीतते हैं, तो डीजल महंगा होगा तो हर गरीब परेशान है, क्योंकि सब्जियां मतलब जितना आता सब डीजल से ही, तो जब वाहनों में डीजल डलेगा जब तो आएगा। ये हमारा डीजल पेट्रोल की बढ़ती महंगाई का ये तो बराबर चलेगा जब तक नरेंद्र मोदी हमारे देश की जनता को गरीब किसानों की बात नहीं सुनेंगे। हम कांग्रेस के लोग, हमें ये भी हम लोग जानते हैं कि पूरा देश हमारा एक आपदा कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, और इसको देखते हुए नरेंद्र मोदी को चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री को चाहिए था कि वैसे ही हमारा किसान मजदूर टूटा हुआ है, धंधे से बैठ गया है, मजदूर परेशान है, धंधा नहीं, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, और ऊपर से डीजल पेट्रोल के दामों में वृद्धि करके लगातार 20वें दिन है ना जो लगातार बढ़ोतरी हो रही, क्या प्रधानमंत्री को नहीं दिखाई देता कि हमारी देश की जनता का क्या हाल है? देखिए, आज हमारा जो प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन है तहसील स्तर पे, उसी कड़ी में आज झांसी जिला तहसील मऊरानीपुर में, देश भर में गरीबी बेरोजगारी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर विफल हो गई है, वह जनता का खून चूस कर अपना खजाना भर रही है। आज़ादी के बाद पहली बार डीजल और पेट्रोल के दाम बराबरी पर आकर आसमान छू रहे हैं, वह भी तब जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट होती रही है। इसी का असर है कि पिछले 25 दिनों में डीजल की कीमत 12 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, इतने दिनों में पेट्रोल के दाम भी 9.25 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। इस समय किसान को फसल की बुआई करना है और किसान की महंगी कीमत ने उसे परेशान कर दिया है। मोदी सरकार एक व्यापारी की तरह जनता से लगान वसूल कर रही है और आपदा के समय राजधर्म भूल गई है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन, टीचर बनकर नहीं इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड मच मोर देन एजुकेशन टू बिल्ड हिज फ्यूचर। द ग्रामोदय इंटरनेशनल कॉलेज, झांसी रोड, मऊरानीपुर।